मेरे ट्रोल होंगे तो मैं तो हंस के निकाल दूंगा, फर्क नहीं पड़ता है, कह लो जो मर्जी, मैं भी मजे करने लगता हूँ. हाँ बट वेन आई सी पीपल ट्रोलिंग हर, तब मेरे को गुस्सा आता है. मेरे को गुस्सा मेरे लिए नहीं आता है, मेरे को गुस्सा उसके लिए आता है, बिकॉज दैट गर्ल हैज़ वर्क रियली हार्ड. उसने पूरा बहुत मेहनत की है, एंड शी इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड. हाँ, मेरे को ऑटो ट्यून पे रोस्ट करना, मेरे को आप क्रिंज पे रोस्ट करना, मेरे को आप रिपीटेड लिरिक्स पे रोस्ट करना, आप वॉट एवर दी मिसकंसेप्शन आर उन सब पे रोस्ट कर लेना, एंड ऑल्सो ऑन द रियलिटी. सी समवेयर द ऑटो ट्यून इज रियलिटी. आई हैव यूज्ड अ लॉट इन माई डांस नंबर. सोनी कक्कर कोई गाना निकालेगा, चार चौड़ में ट्रोलर्स होंगे, उनको मज़ा आता है, उनके कुछ फॉलोअर्स भी होंगे क्योंकि वो अच्छे सरकास्टिक होते हैं, तो उनके भी फॉलोअर्स होते हैं, उनको भी उन्होंने कुछ सर्व करना होता है, उनके लिए वो लिख देते हैं, उनके फॉलोअर्स वो लाइक कर देते हैं, वो खाते पीते सो जाते हैं, फिर उठ के वही करते हैं. उनसे पूछो उन्होंने और क्या किया लाइफ में. नेहा एंड मी एंड यू नो आर होल फैमिली, पूरा कल्चर ही ऐसा है कि वॉट एवर वी अर्न हम मॉम डैड को देते हैं, और मॉम डैड हमें पॉकेट मनी देते हैं अभी तक. यस एब्सोल्युटली, हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, वो बात अलग है कि नो लिमिट. सनी भाई एक अच्छा सक्सेसफुल टूर करें, इंडिया टूर, बादशाह भाई करें, और तो जिनको गाने सुन के हम बड़े हों, जब इनका एक सक्सेसफुल एक प्लेटफॉर्म ये लोग बना लेंगे और सेट कर लेंगे, बिकॉज ये लोग लीड करते आए हैं हम लोगों को, स्पेशली हमारी जनरेशन. हेलो एवरी वन, दिस इज़ आइना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड. मेरे साथ है टोनी कक्कर विद अस टुडे उनके हिट गाने के साथ. सो नाइस टू हैव यू एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन अफगान अफीम. थैंक यू सो मच, प्लेजर. सबसे पहले तो मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि आपके हर गाने के पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहता है आपका? मेरा खुद का तो इट्स ऑल अबाउट हैविंग फन. जब मैं जिस गाने पर पार्टी कर सकता हूँ या जिस गाने पर मैं फील कर सकता हूँ जिस गाने को, तो वैसे गाने मैं बनाता हूँ. एंड दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस एक्चुअली. या दीज आर द सॉन्ग्स जिनको मैं अगर लिसनर होता तो भी मैं ऐसे ही गाने सुनता, तो दिस इज़ व्हाट मुझे जैसा लगता है फिर मैं वैसे गाने बनाता हूँ. पर एज अ आर्टिस्ट कभी ये चैलेंजिंग लगता है क्योंकि आपको हर बार कुछ नया सोचना होता है ऑडियंस को कुछ नया देने के लिए, यू नो आई थिंक काफ़ी क्रिएटिव प्रोसेस भी जाता है. आप इंस्पिरेशन कहाँ से ढूंढते हो उस दौरान? इंस्पिरेशन तो यहीं कहीं होते हैं, मतलब आपकी ज़िंदगी में ही होते हैं. आप जहाँ कहीं जाते हो, कहीं ट्रैवल करते हो, कुछ लोग आपको मिलते हैं, कुछ किसी की स्टोरी सुनते हो, उन सबसे इंस्पिरेशन आती है. शायद आज इंटरव्यू में मेरे को इंस्पिरेशन आए. बट जैसे आपकी जर्नी रही है काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, एंड इट्स लाइक आप यही चाहोगे अपनी जर्नी के लिए कि आप मेहनत करो और फिर आपको यू नो फल मिले. आपने आज जितना भी लाइफ में आपने पाया है, कमाया है, वो इतने सालों की मेहनत के बाद ही है. आपने नेहा ने क्या ये इंडस्ट्री ने आपको कभी भी बदला है एज अ पर्सन, एज टोनी एज अ पर्सन? देखो इंडस्ट्री आपको बदल सकती है, उसमें है पावर, और उस पावर में यू नो इंडस्ट्री से मेरा कहने का मतलब फेम. फेम एक ऐसी चीज़ है ना जो कि इंसान को पूरा ऑल्टर कर सकती है. इट कैन ऑल्टर योर माइंड, योर पर्सनैलिटी, योर थाट्स, योर एवरी थिंग. एंड आई हैव सीन पीपल, आई हैव सीन आर्टिस्ट यू नो चेंजिंग विद टाइम, विद देयर सक्सेस एंड विद लॉट ऑफ दिस थिंग. एंड सबसे कमाल की बात है कि आर्टिस्ट जब सक्सेसफुल होता है और वो फिर तब जाके अपना सक्सेसफुल होने के बाद बिहेवियर चेंज करता है या अपना स्टाइल ऑफ लिविंग चेंज करता है, और वो सोचता है वो बेटर हो रहा है जबकि वो वर्स हो रहा होता है. बिकॉज जो इस सक्सेस के बाद, इस इंडस्ट्री की सक्सेस के बाद स्पेशली, तो इट इज़ डिल्यूजनल एक्चुअली. इट गेट्स डिल्यूजनल एट अ पॉइंट. तभी आजकल जो सक्सेस है, आजकल क्या, हमेशा से ऐसे ही रहा है, फिर वो उसी हिसाब से मिलती है और उसी हिसाब से फिर वो स्टे करती है. स्टे करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट. इतने टाइम में मैं अब ये थोड़ा ज़्यादा सीख गया हूँ कि चीज़ें आपके साथ रहें वो बड़ी बात होती है, बजाय उसके कि उस वक्त आपने अचीव किया. यू कैन हैव अ वाइफ बट वो अगर आपके साथ रह ही नहीं रही है तो आपकी वो इट इज़ नॉट सक्सेसफुल अफेयर. पर जैसे
आपकी शुरुआत जैसे हमने कहा जगराता से हुई है. आपने यू नो यू अर्न सो मच मनी ऑल्सो, जैसे आपने बोला फेम भी आ जाता है. आपने जब अपने लाइफ में देखा कि पैसा आ रहा है, इतना फेम आ रहा है, इतने व्यूज़ आ रहे हैं, आपके लिए कभी वो मुश्किल था हैंडल करना? शायद इसके लिए नहीं, क्योंकि कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ हमारा पैसा कभी भी हमारे हाथ में नहीं आया. हमने वट एवर वी अर्न, नेहा एंड मी एंड यू नो आर होल फैमिली, पूरा कल्चर ही ऐसा है कि वट एवर वी अर्न हम मॉम डैड को देते हैं और मॉम डैड हमें पॉकेट मनी देते हैं अभी तक. यस एब्सोल्युटली. हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, वो बात अलग है कि नो लिमिट सॉर्ट ऑफ क्रेडिट, सॉर्ट ऑफ नॉट एग्जैक्टली नो लिमिट, मतलब नो लिमिट वो चाहते हैं. दे ट्राई कि ये अगर ये जो भी चाहें एंड दे हैव फेथ, मॉम डैड दे हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ फेथ इन अस कि ये जो खरीदेगा वो ज़रूरत की चीज़ें खरीदेगा. एंड उसके साथ उनकी एक बेसिक जो लर्निंग्स उन्होंने हमें दी हैं, हमें जैसा इंसान बनाया. तो अभी तक भी वट एवर वी अर्न इट इज़ इन मॉम डैड्स हैंड. तो अब तो फिर इतना कभी वो पैसा वो हमें पता ही नहीं चला कि हम कितने पैसा है हमारे पास या कितना नहीं है. और आई थिंक वो बेस्ट है उस, वो कभी भी इंसान को बिकॉज ये सब चीज़ें आपको ख़राब ही करती है, बेटर नहीं करती, बेटर नहीं करती. पर जैसे अभी भी कुछ लेना होता है आपको परमिशन लेनी पड़ती है मॉम डैड से, आज तक. और उसमें और अच्छा लगता है हमको वो परमिशन लेने में, और तभी मज़ा आया ना. साथ हैं जब आप देखो जो भी काम आप करते हो और जिसमें आप अकेले होते हो उसका मज़ा, और एक काम जो आप करते हो सबके साथ करते हो विद एवरीबडीज अप्रूवल, उसके मज़े में फ़र्क है. दोनों में भी डिफरेंस आपको नज़र आएगा जब आपको सब लोग ने सपोर्ट भी किया होता है, अरे करो बेटा हम हैं साथ, तो मज़ा आएगा. नो आई थिंक जो चीज़ आसानी से मिलती है उसमें मज़ा ही नहीं, मज़ा ही नहीं है. थोड़ी तो वहाँ मेहनत थोड़ी मेहनत में ज़्यादा मज़ा है. बट आपका जो आप, मैंने कई बार सुना है आपने कहा इंटरव्यूज़ में कि मेरा और नेहा, आपका और नेहा का रिलेशनशिप जो है, बट हैज़ दिस इंडस्ट्री या सोशल मीडिया गॉट दिस भाई बहन का रिश्ता क्लोजर, या फिर कहीं ना कहीं आप अपना कर रहे हो और वो अपना करती है, या फिर थोड़ा डिस्टेंट कर देता है? सोशल मीडिया तो आई डोंट नो, पॉसिबली प्रोफेशन बोल सकते हैं. उसकी वजह से हमें साथ काम करने का भी बहुत मौका मिला है, तो शायद क्लोजर आए बिकॉज वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. तो प्रोफेशन की वजह से डेफिनेटली हम काफ़ी साथ रहते हैं, हमारे स्केड्यूल्स भी सिमिलर रहते हैं और एक दूसरे को समझ भी पाते हैं. अगर तो वो बोलती है कि फॉर एग्जांपल कि मैं फ्लाई करके थक गई, तो मैं समझ सकता हूँ कि जब एक फ्लाइट के बाद दूसरी फ्लाइट लेते हैं और ले ओवर बहुत होता है, तो वो ट्रेन की जर्नी से भी कितना ज़्यादा थकाने वाला होता है. तो वो यू नो आप समझ सकते हो, और क्योंकि प्रोफेशन साथ में, प्रोफेशन ऐसा है ना कि वहाँ पे भी पहुँचना टाइम पे है और आपको अटेंटिव भी रहना है, राइट आंसर्स भी करने हैं, राइट तरह से लोगों को हैंडल भी करना है और रिस्पेक्टफुल भी रहना है, और बहुत सारी जिम्मेदारी भी है, किसी को नाराज़ भी नहीं करना है. सबकी एक उम्मीद होती है, सब आपको एक, आपको तो पहली बार ही मिल रहे हैं, आपको तो चाहेंगे कि द वे दे लुक एट देयर स्टार, द वे दे हैव इमेजिन देयर स्टार टू बी, वो वैसा बिहेव करें. तो इट इज़ लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ थिंग्स. तो फिर वो सेम प्रोफेशन में होने की वजह से मैं और नेहा अच्छे से समझ भी पाते हैं, ईजियर होता है. बट जैसे मैंने सोशल मीडिया की बात की, आप भी काफ़ी टारगेट होते हो सोशल मीडिया पे, नेहा भी अपने इमोशंस की वजह से काफ़ी टारगेट होती है. और मैंने ये चीज़ लास्ट मंथ रोहिन प्रीत को भी कही थी कि तब माहौल कैसे हो जाता है घर पे, अगर आप देखते हो एक दूसरे पे, अगर ट्रोल्स काफ़ी कहते हैं. इट्स नॉट ईजी, इट इज़ स्टिल डिफ़िकल्ट बिकॉज आप पढ़ रहे हो और वो आपके बारे में, और तब आप शायद प्रोटेक्टिव होते होंगे अपने बहन के बारे में, वो आपके लिए प्रोटेक्टिव. माय रिएक्शन फॉर माय ट्रोल्स एंड हैंडलिंग दोस ट्रोल्स माईसेल्फ वुड बी अ डिफरेंट रिएक्शन ऑल टुगेदर. फॉर नेहा इट विल बी अ डिफरेंट रिएक्शन. क्या डिफरेंस? मतलब जैसे मेरे ट्रोल होंगे तो मैं तो हंस के निकाल दूंगा, फर्क नहीं पड़ता कह लो जो मर्जी, मैं भी मजे करने लगता हूँ. बट वेन आई सी पीपल ट्रोलिंग हर, तब मेरे को गुस्सा आता है. मेरे को गुस्सा मेरे लिए नहीं आता है, मेरे को गुस्सा उसके लिए आता है बिकॉज दैट गर्ल हैज़ वर्क रियली हार्ड, उसने पूरा बहुत मेहनत की है, एंड शी इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड. उसके टैलेंट को हल्के में लेना बहुत ख़राब है. और जो लोग लेते हैं, और जो लोग यू नो समटाइम्स दे राइट सम नैस्टी थिंग्स अबाउट हर,
तो वो बिल्कुल भी, वो लोग भी सिर्फ व्यूज़ फेम और उसके लिए ही कर रहे हैं. तो आई नो आई अंडरस्टैंड बट आई फील बैड कि आप यार आप शी इज़ यू नो इंडियाज़ सिंगर, शी इज़ इंडियाज़ वॉइस, वो शी इज़ दैट, शी हैज़ दोज केपेबिलिटीज़ एंड दोज दैट सॉर्ट ऑफ फेम, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करती है कई जगह पे. तो उसको ट्रोल करना तो इट्स लाइक ट्रोलिंग योर ओन नेशन. यू कांट डू इट, यू शुड नॉट डू इट. पर आपको लगता है आप टारगेट होते हो या आपके गाने टारगेट होते हैं? दैट फाइन, बिकॉज वो हैं भी ऐसे गाने भी, एक दो ऐसे हैं, एक दो जब बंदा चॉकलेट है लेट है लेट है लिखेंगे तो ट्रोल भी होगा, दैट्स फाइन. वो लिखा ही वो कुछ चीज़ होती है वो उसी पर्पस के लिए होती है. अच्छा, आपको पता होता है कि ये होने वाला है कहीं ना कहीं? बारिश आएगी, भीगेंगे सभी ना. तो इट्स ओके, मतलब पता होता है यार, मतलब कि अभी क्या है, ये एक कल्चर है, ये द वे ऑफ लाइफ है, दिस इज़ हाउ पीपल लिव देयर लाइफ. ये एक बहुत बेसिक सा पैटर्न है. टोनी कक्कर कोई गाना निकालेगा, चार चौड़ में ट्रोलर्स होंगे, उनको मज़ा आता है, उनके कुछ फॉलोअर्स भी होंगे क्योंकि वो अच्छे सरकास्टिक होते हैं, तो उनके भी फॉलोअर्स होते हैं, उनको भी उन्होंने कुछ सर्व करना होता है, उनके लिए वो लिख देते हैं, उनके फॉलोअर्स वो लाइक कर देते हैं, वो खाते पीते सो जाते हैं, फिर उठ के वही करते हैं. उनसे पूछो उन्होंने और क्या किया लाइफ में, कितने पैसे बनाए, कितने दिलों को शांति दी, क्या ऐसा लिखती है. बट ये कमाल की बात है, दे विल नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट कि द सेम मैन हैज रिटन तेरी मोहब्बत से ज़रा अमीर होके चुराया है मैंने किस्मत की लकीर. वो लिखने में उनको मन नहीं है या दिस इज़ नॉट देयर लाइफ, बिकॉज उनकी लाइफ इज़ ऑल अबाउट गाली, ऑल अबाउट हैविंग यू नो गुड डे पार्टी, नशा वशा. आई डोंट नो, मे बी आई, बिकॉज दिस इज़ दैट जनरेशन, 16 to 14 to 24, दे इंडल्ज इन ऑल दोज थिंग्स, इन ट्रोलिंग, इन दिस मीम कल्चर. ये कल्चर है, वे ऑफ लाइफ है, तो आई डोंट टेक इट सीरियसली. बट आई रिप्लाई देम विद द सॉन्ग्स लाइक जिंदगी बता दे क्यों तू खफा है, सांसें ही तो ले रहा हूँ ये भी क्या गुना है. सो दैट इज़ माई रिप्लाई. आई कैन नॉट डायरेक्टली रिप्लाई टू देम, आई हैव नो टाइम एंड नो एनर्जी. बट समटाइम्स व्हेन आई एम इन गुड मूड एंड राइट मूड, आई वुड से टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम, मैं बात भी कर लेता हूँ, रिप्लाई भी कर देता हूँ. बट जैसे आपके, आपको इतना प्यार भी मिला है धीमे धीमे के बहुत लिए, मिला है कोको कोला के लिए. बिल्कुल इतना प्यार, मुझे वो गाने कितने पसंद है और आज भी हम पार्टियों में वही गाना बजाते हैं, माहौल बनाने के लिए वही गाने सुनते हैं. तो उसका ये गानों का पार्ट टू अगर आप लेकर आओगे, या फिर ये हमेशा रहता है कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है क्योंकि ये हिट जाएगा, या फिर हमेशा आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि जैसे आपने ये गाने भी लाए हैं, लोग ऑलरेडी इतने मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं, लोगों को इतना पसंद आ रहा है, आप प्रिडिक्ट कर पाते हो? ऑनेस्टली नहीं, अभी के इन टुडेज टाइम आई कांट, बिकॉज इट हैज़ बिकम वेरी वेग एंड डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ कॉन्टेंट राइट नाउ, इतना कॉन्टेंट है ना, यू डोंट नो क्या वायरल आ जाएगा क्या नहीं जाएगा. वही जो ज़िंदगी बता दे मेरा गाना है, वो अभी जब हमने रिलीज़ किया था तो उसको द लोएस्ट रिस्पॉन्स आई गॉट फॉर एनी सॉन्ग वॉज दैट सॉन्ग ज़िंदगी बता दे. पर उसके बाद वो जो वायरल होना धीरे धीरे शुरू हुआ, एंड इट बिकेम यू नो माई नाउ द मोस्ट लाइक थर्ड मोस्ट स्ट्रीम्ड सॉन्ग ऑन स्पॉटिफाई पॉसिबली, आई थिंक ऐसा ही कुछ है. तो यू नेवर नो क्या होता है, व्हाट हैपेंस यू कांट प्रिडिक्ट इन टुडेज टाइम, स्पेशली जब कंटेंट इतना आ रहा है, लोग पक गए, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग रील देखें, शॉर्ट्स देखें, लोग नेटफ्लिक्स देखें, प्राइम देखें, इंस्टेंट बॉलीवुड देखें, लोग क्या देखें, पीपल हैव लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड केपेबिलिटीज टू यू नो ग्रास्प एवरीथिंग. बट एज एन आर्टिस्ट मैं पूछना चाहूँगी, अब कॉन्सर्ट कल्चर हमेशा से था, पर अब जो उसका मैडनेस हुआ है इज़ इनसेन, और हम देख रहे हैं कि पंजाबी म्यूज़िक भी कितना आगे बढ़ चुका है, इंटरनेशनल जा चुके हैं, दिलजीत पाजी को देखते, करण औजला को देख रहे, एपी को देख रहे. आपके कोई प्लान्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए, या फिर आप अपना टूर, यू नो एनी टाइम आर यू गोइंग टू स्टार्ट, व्हाट इज़ योर टेक? टूर इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम. उसके लिए यू शुड हैव द राइट टीम, राइट प्लानिंग, राइट माइंड सेट एंड राइट सॉर्ट ऑफ एवरी थिंग इन प्लेस. अगर वो नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है. सबसे पहले तो आई वुड लाइक माई सीनियर्स, लेजेंड्स जिनको मैं बोलता हूँ, वो एक अच्छा पहले टूरिंग
कल्चर इंडिया में अच्छे से सेट करें, यू नो, नॉट दी वंस जो कि 1 साल के लिए हिट होते हैं, 2 साल के लिए हिट होते हैं. लेजेंड्स हमारे, आई वुड से हनी सिंह भाई, हनी भाई एक अच्छा सक्सेसफुल टूर करें, इंडिया टूर, बादशाह भाई करें, ऑल दो जिनको गाने सुन के हम बड़े हुए. जब इनका एक सक्सेसफुल एक प्लेटफॉर्म ये लोग बना लेंगे और सेट कर लेंगे, बिकॉज ये लोग लीड करते आए हैं हम लोगों को, स्पेशली हमारी जनरेशन को. जब ये लोग कर लेंगे अच्छे से, तो फिर यू नो इट इज़ ऑलवेज लाइक कि लीड कौन करेगा. एक बार ये लोग शुरू कर देंगे तो हम लोग इनके फुटस्टेप्स फॉलो कर देंगे. दे शुड हैव अ सक्सेसफुल टूरिंग करियर आफ्टर, वंस दे हैव इट, आई एम श्योर हमारे पास भी होगा. बिल्कुल. बट आपने हनी पाजी से बात की, जैसे आपने बोला कि फेम काफ़ी जब आ जाता है तो इट्स डिफ़िकल्ट टू हैंडल इट, और हनी सिंह ने कहा है काफ़ी इंटरव्यूज़ में, और उनकी अभी डॉक्यूमेंट्री भी आ रही है कि उनको कैसे उन्होंने वो चीज़ सीरियसली ले ली थी, उनका डाउनफॉल शुरू हुआ था. आपकी बात हुई थी कभी उस दौरान उनके उनके साथ, जब यू नो ही वॉज नॉट इन द राइट स्टेट? ऑनेस्टली बताऊँ, जितनी भी मेरी कॉन्वर्सेशन उनके साथ हुई है, आई डोंट अंडरस्टैंड हिम. मुझे वो आई डोंट नो, मतलब उन्होंने बहुत सारी बातें ड्यूरिंग दोज यू नो कॉन्वर्सेशंस हुई हैं. काटा लगा जब हमने कलाबरेट किया था, आई रियली डोंट नो अबाउट हिज लाइफ, हिज व्हाट हिज प्लान्स आर, उन्होंने क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है. दो दैट मैन हैज़ अचीव्ड everything one could ever imagine. I don't know, I really don't know and can't say about that, because my purpose of life and my you know goal is different. I can't comment about what he's planning or what he thinks. But were you like there for him in that phase of his life? सी एज अ फैन तो हम हमेशा उनके साथ, जहाँ पे भी वो इनफैक्ट एक आवाज़ कर देंगे हम लोग खड़े हो जाएंगे, बिकॉज दैट मैन हैज़ टॉट अस अ लॉट. हमारे जितनी भी ये जनरेशन है जो हम यू नो पॉप स्टार्स हैं, उनको सिखाया ही हनी सिंह ने. वो कोई बोले या ना बोले, बट वही है कि जहाँ उनको ज़रूरत होगी, जहाँ उनको, वैसे उनको भगवान ना करे कभी ज़रूरत पड़े, बट जहाँ पे भी हम खड़े हो जाएंगे, beyond everything he's too good. अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहोगे फॉर योर नेक्स्ट सिंगर फ्रॉम ऑल दीज आइकन्स, करण औजला हो, दिलजीत पाजी हो, कहानी सिंह हो, आप किसके साथ करना चाहोगे और क्यों? हनी भाई के साथ तो हो गया. मैं एक कोलैबोरेशन का बहुत वेट कर रहा हूँ, और मैं आई थिंक आई वांट नेहा टू कोलैबोरेट विद दिलजीत भाई. मेरा आई डोंट नो, मेरा तो एक गाना उन्होंने गाया था, वो रिलीज़ नहीं हुआ है, शायद वो रिलीज़ हो जाएगा, बट आई वांट टू सी नेहा एंड दिलजीत सिंह कोलैबोरेट टुगेदर. बट सॉरी, दिलजीत दोसान, हनी सिंह और वो मिक्स हो गया, सॉरी, दिलजीत भाई और नेहा कक्कर का मैं कोलैबोरेशन देखना चाहता हूँ. एंड बट इंटरेस्टिंग ये है, करण एंड नेहा इज हैपनिंग, सो टुमारो इट्स रिलीजिंग, सो दैट सॉन्ग इज माय फेवरेट. एंड दिस मैन करण औजला, यस, क्या कहना चाहोगे? आई लव हिम, ही इज डेडली, ही इज टू गुड, ही इज टू गुड. आई रीसेंट जो भी गाने मैंने उनके सुने सब टॉप क्लास. बिल्कुल. और आपकी बात होती है उनसे? नहीं, मेरी तो बात नहीं होती, मेरा उनसे तारुफ नहीं है. नेहा इज इन टच विद हिम एंड ही इज अ ग्रेट मैन. इतना हिस्टोरिक सब कुछ कर रहे हैं वो, इतने कमाल के टूर्स कर रहे हैं, इतने कमाल के गाने रिलीज कर रहे हैं. ही इज इंस्पायरिंग मिलियंस ऑफ पीपल, एंड आर्टिस्ट के लिए वो एक ड्रीम लाइफ है व्हाट ही इज लिविंग. सो या, रियली हैप्पी फॉर हिज सक्सेस. कमिंग टू अफगान, अफीम है, ये जो लुक्स है आप जो आपके, आप काफ़ी फैशनेबल भी हो, और आप जो लुक्स क्रिएट करते हो अपने सॉन्ग्स में, जैसे अभी भी हम देख रहे हैं, आपके इनपुट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर? अगर अच्छा लग रहा है तो हाँ, मेरे नहीं होते हैं, मैं हूँ, मैं देखो, मेरा हर हर अपना तो पार्ट रहेगा ही ना उसमें, तो मेरे होते हैं. और कई बार नहीं भी होते हैं, समटाइम्स यू नो दे वांट, समटाइम्स डायरेक्टर्स चाहते हैं आप वैसे रहो. एक गाना मेरा शिकायत जो फुकरा इंसान के साथ आया है, उसमें मेरे को, मैं बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरे को, जो पहनाया, जो मेरे बाल जो मेरा जो भी किया, आई एम सो, आई लुक एब्सोल्युटली अगली इन दैट सॉन्ग, बट दैट सॉन्ग इज़ ग्रेट. उस गाने को इतना प्यार मिलता है, उसने शिकायत नाम है उस गाने का.
सो या सो कॉम्पनसेट हो गया, गंदा दिख रहा था पर गा अच्छा ली, मतलब एज व्हाट द फीडबैक वी गॉट, सो या बैलेंस हो बट गया. जैसे फुगरा ने भी आपको रोस्ट किया था, पर आपने नहीं, कभी वो फुगरा हैज नेवर, उनके भाई उनके ट्रिगर, भाई ने ट्रिगर ने रोस्ट या किया था, सॉरी, पर आपने कभी उस चीज़ को दिल पे नहीं लिया, आप उनके साथ ही वीडियो बना रहे हो, इतना सी दैट स्पोर्टिंग इज, स्पिरिट कहाँ से आता है? वो उनका प्रोफेशन है, मैं उससे कैसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, उनका प्रोफेशन है और वो किसी भी बुरा फीलिंग से नहीं करते, उनका मेरे से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है. ये कब समझना पड़ेगा, ये कॉमेडी मीम कल्चर ये एक हेल्दी वे में किए जाने वाली चीज़ है, इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए. देखो टैलेंटेड है कोई इंसान या कितना पॉपुलर है वो तो जनता है ही ना बताने वाली, वो तो फॉलोअर्स, वो तो आपके गाने के स्ट्रीम्स आपको बता ही देते हैं. अभी 1 बिलियन कोई चीज़ पहुंच गई, 800 मिलियन पहुंच गई, 500 मिलियन, ये जो भी होता है ये तो प्यार बता देता है. और वो एक एक तरह का प्रोफेशन है, उसमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. कैरी मिनाटी हो गए या ट्रिगर्ड इंसान हो गए या अभी समय रहना हो गए, तो वी ऑल रिस्पेक्ट देम फॉर देयर क्राफ्ट, फॉर देयर सॉर्ट ऑफ आर्ट. सो अगर उसके लिए हम क्वेश्चन करने लग गए तो इट इज़ रॉन्ग ऑन आवर पार्ट. वी लव देम, अच्छा लगता, बल्कि मैंने उनके बहुत ट्रिगर्ड की सारी वीडियो में एंजॉय किए जिन जहाँ पे भी उन्होंने मुझे रोस्ट किया है. अच्छा, सो आई लव इट, आई लव इट इनफैक्ट. और गाना जिस दिन वो करते थे उसके अगले दिन और गाने पे व्यूज आ जाते हैं, तो इट्स ऑल इन अ गुड मैनर, गुड वे. आपने सोचा है लेटेंट पर जाने के मैं लिए? गया लेटेंट पे, लेटेंट पे गया, अब गए, सॉरी. वो एपिसोड आया नहीं अभी तक, वो आने वाला है, आने वाला है. मैं थोड़ा सा पर वहाँ जाके ना मैं आई वाज सो वरीड, आई गॉट यू नो मेरी पर्सनालिटी ही थोड़ी मिसमैच हो गई, तो आई कुड नॉट हैंडल द वे यू नो आई हैंडल थिंग्स. इट इज अ कंप्लीट केओस that episode of mine, but I am sure Samay will handle it on the edit. आपके comebacks नहीं थे? नहीं, इसीलिए. पता है मैं, मेरा culture ही पूरा different. I cannot. मैं अगर आप मेरे को बोलोगे कि इसको roast करूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरी personality नहीं है वैसी. हाँ. और फिर आप मुझसे बोलेंगे कि नहीं आपको करना ही, अगर तो यू नो ऑडियंस बोलेगी कि करो, तो फिर मैं उल्टा बिहेव कर जाऊंगा पॉसिबली. मैं यू नो तो आई यू नो आई वाज लाइक कि अरे बाप रे, ऑकवर्ड हो गया बहुत. बट आई एम श्योर उसमें वैसे भी वो लेटेंट लोग मेरे या किसी के लिए देखने नहीं आते, वो समय के लिए देखने आते हैं. एंड समय इज अ किलर पर्सन, ही किल्स इट कम्प्लीटली एंड ही स्लेज. Yeah. In his episodes of latent, so yeah, good fun. No, I'm excited to see कि क्या होता है. आपकी insult हुई या आपको roast किया गया वहाँ पर? हमने वो तो क्या decided था. हाँ, उन्होंने बोला कि ऐसे-ऐसे आपको इस तरह का इस देखो, I'm sure he's very impromptu, तो वो बताते तो नहीं है कि मैं ये बात बोलने वाला हूँ. उन्होंने बोला कि इस तरह का बात कहूँगा दैट यू ऑफ ओके. मैंने कहा हाँ, मेरे को ऑटो ट्यून पे रोस्ट करना, मेरे को आप क्रिंज पे रोस्ट करना, मेरे को आप रिपीटेड लिरिक्स पे रोस्ट करना, आप वट एवर दी मिसकंसेप्शन आर उन सब पे रोस्ट कर लेना, एंड ऑल्सो ऑन द रियलिटी. सी समवेयर ऑटो ट्यून इज रियलिटी, आई हैव यूज्ड अ लॉट इन माई डांस नंबर. सो मैंने वो सब बोला कि आप कर सकते हो आप, और करना, इनफैक्ट अच्छा लगेगा, लोग सुनना चाहते हैं. तो वो दैट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड, तो उस हिसाब से यू नो उन्होंने फन किया. बट इट्स सो लवली दैट यू आर नॉट टेकिंग दिस टू योर हार्ट. सी सीरियसली क्या ही लेना, सीरियसली जब हम सक्सेस को नहीं लेते, सीरियसली जब हम तारीफों को नहीं ले रहे हैं, तो सीरियसली हम मीम्स को और ट्रोल्स को भी क्यों लें? No, we are busy living our life happily with our family, with our loved ones, yeah, with you know everything. Yeah, no, absolutely. But जाने से पहले मुझे आपसे ये भी पूछना है, मुझे काफी फैंस ने पूछा, प्लीज टोनी कक्कर को पूछना, टोनीशा कब आने वाला है वापस कुछ मनीषा रानी के साथ, अगर हम वापस कुछ देखेंगे. I'm sure music labels अब लोग कुछ ना कुछ plan कर ही रहे होंगे, तो मुझे कुछ ऐसा ऑफर आएगा तो मैं तो I would say yes and hopefully we'll make a good song. Absolutely. छोटे से अब quickly I'm going to give you a few names. आपको मुझे एक word बताना है उनके लिए. Sure. ठीक है. कृति सैनन. Coca-Cola. कार्तिक आर्यन. धीमे धीमे and Coca-Cola. शहनाज गिल. कुर्ता पजामा. अली गोनी. तेरा सूट. अरे मैंने वही नाम ली. जैस्मिन. तेरा सूट. नहीं, यू पिक मी अनदर. गिव मी अनदर. बारिश में तुम. अरे निया शर्मा.
वादा ओके नेहा कक्कर लाइफ नो दैट लास्ट वन इज द वन दैट इज वेरी क्यूट बट थैंक यू सो मच वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सॉन्ग्स ऐसे ही हमें हंसाते रहिए और हमें पार्टी करने के लिए भी हमें और गाने देते रहिए थैंक यू सो मच एंड वी विल सी यू सुपर सून थैंक यू आईना योर नेम इज ब्यूटीफुल मैं इस पे कुछ गाना डेफिनेटली प्लीज बनाओ और वायरल कर दो गाना वो हो जाएगा थैंक यू सो मच